नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार किजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का एक सिक्योरिटी फीचर के बारे में जानकारी, जो कि है यूजर एक्सेस कंट्रोल सेटिंग्स। इसको हम कैसे ऑन और ऑफ करते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। और उससे पहले सबसे पहले एक छोटा सा जानकारी हम दे दें कि यूजर एक्सेस कंट्रोल का जो सेटिंग्स होता है वो क्यों होता है। एक्चुअली जब हम कोई भी अनऑथराइज चेंजेस अपने सिस्टम में करते हैं तो ये एक अलर्ट देता है मुझे कि भाई आपका जो ये एप्लीकेशन जो कि आप इंस्टॉल कर रहे हो ये अनऑथराइज है, फिर भी आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हो, एक पॉपअप आया, आप यस कर दो अगर इंस्टॉल करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना है तो नो कर दो। लेकिन डोमेन नेटवर्क में हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होते हैं वो भी यूजर एक्सेस कंट्रोल को ऑफ कर, क्योंकि वो एप्लीकेशन हमें रिक्वायर्ड है। और अगर हम एक्सेस कंट्रोल ऑन रखेंगे और इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कि उस एप्लीकेशन का कोई भी फाइल स्किप कर जाए, तो इस केस में जो है हम उसे ऑफ कर देते हैं और फिर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करते हैं। तो ये हम सेटिंग्स कैसे ऑफ करते हैं ये हम आपको बताएंगे और कहां से करते हैं। तो इसके लिए चलना होगा हमको अपने पीसी पर। चलिए हम चलते हैं अपने पीसी पर और देखते हैं कि ये सेटिंग कैसे हम ऑफ और ऑन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने पीसी पे आ चुका हूँ और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यूजर अकाउंट कंट्रोल को हम कैसे ऑफ करते हैं। तो इसको ऑफ करने के लिए सबसे पहले जो है स्टार्ट पे जाइएगा। स्टार्ट पे जाने के बाद ये आपको जो है यूजर अकाउंट का जो पिक्चर दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से यूजर अकाउंट का कंट्रोल पैनल में यूजर अकाउंट का डिटेल ओपन होकर के आएगा। इसमें देखिए सबसे नीचे जो है चेंज यूजर अकाउंट कंट्रोल सेटिंग, इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए यहाँ पे यूजर का अकाउंट कंट्रोल लेवल जो है वो यहाँ पे स्पेसिफाई है। आप इसको जैसे कम कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे नीचे करके ओके कर दीजिएगा। इस तरह से जो है यूजर का अकाउंट कंट्रोल सेटिंग ऑफ किया जाता है। इससे जो है अगर आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो बार बार आपको प्रॉम्प्ट नहीं आएगा कि आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं या अनलाइसेंस है, इस तरह से नहीं आएगा और डायरेक्टली इंस्टॉल होगा। और कंट्रोल लेवल जो है अगर ऑन रहेगा और हाई रहेगा तो होता क्या है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कुछ फाइल जो है स्किप भी कर जाता है। तो डोमेन नेटवर्क में जो है एक्सेस कंट्रोल लेवल को जो है हम कम करके ऑफ करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। तो आज आपने सीखा कि यूजर के अकाउंट कंट्रोल को किस तरह से ऑफ किया जाता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि।